हमारे सामने रहा केदारनाथ मंदिर और हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए। इतना सुकून। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल और आज हम आपको दिखाने वाले हैं केदारनाथ धाम। खाना पीना हो गया, बहुत नींद आ रहा है, हम लोग रात को सोए नहीं है। लोग जा रहे हैं केदारनाथ तो ये भैया मिले, एकदम हम लोग एक साथ घूमेंगे और मस्ती किया जाएगा। एक्साइटेड है हम लोग और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। जब कब खुल रहा है उनका? 10 मई को खुल रहा है और हम लोग वहाँ पे 10 मई को ही दर्शन कर लेंगे। गाइस ये देखिए पहुँच गए, इसके सुंदर गए तो यहाँ से यहाँ हरिद्वार से निकलने वाले हैं। पंचुला है और अभी इसमें काम चल रहा है और यहाँ भी बंद हो चुका है। अभी अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी यहाँ पे मिलती है। अलकनंदा है, एक भागीरथी नदी है और वो देखिए लोग तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं सोमपुरिया और यहाँ बहुत तेज बारिश हो रहा है। सोनपरियाग से ही बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और हम लोग यहाँ से केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं। चल निकल गए हैं और इतना ही चलन में हालत खराब है और लाखों की भीड़, मतलब बोला जा रहा है 5 लाख से लोग ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे। भैया ये राजस्थान से साइकिल यात्रा में आ रहे हैं। हाय बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं, 2 किलोमीटर है यहाँ से और कुछ पीठू लोग हैं जो भाई बहुत मेहनत करते हैं और लोगों को नीचे से ऊपर केदारनाथ दर्शन करवाते हैं। इस भैया को देखिए, अपने से ज्यादा वेट लेकर चढ़ रहे हैं ऊपर केदारनाथ। तो देखे पहाड़ों पे मैगी खा रहे हैं अभी, बहुत भूख लगी थी हम लोगों को। चढ़ते चढ़ते लग रहा है कि हालत बहुत खराब हो जाएगा और पेट हिलत करने लगा। रिस होने की संभावना है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को और यहाँ बर्फबारी हो रही है। नौजवान है सब आ रहे हैं यहाँ, खच्चर पे आ रहे हैं। इतना दिक्कत, अगर भोले महादेव को पाना है तो आप लोग पैदल आइए, कहेंगे बेचारे खच्चर यहाँ। इतना प्रॉब्लम होता है इन लोगों को बहुत ज़्यादा और हालत इन लोगों का हमेशा ख़राब होता है, मतलब मर जाते हैं कितने खच्चर। इसलिए आपसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी आएँ तो पैदल यात्रा करें। अपना बीमा करवाए हुए हैं। ये देखिए, अरे भाई बस बस लग रहा है केदारनाथ पहुंच जाएगी इन डिटेक्टर। बोले तेरे नगरी में आगे शून्य हो गया। चढ़ते चढ़ते रात हो गया और हालत खराब हो गया और मौसम इतना खराब है, बर्फबारी हो रही है। तो देखो वहाँ बर्फ ही बर्फ है और बहुत सुकून है भाई, बहुत सुकून है। ओ भाई हमारे सामने रहा केदारनाथ मंदिर और विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए। इतना सुकून, जय बाबा, ये रहे अपने बाबा, जय महादेव। और रात को 12 बजे हम लोग दर्शन बाबा मंदिर के पास आए और सच में यार सुकून, मतलब
सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने मंदिर उतना चढ़ के मंदिर के पास आए। इन्होंने ड्रीम कम्प्लीट रहा। ठंड है, माइनस टेम्परेचर है, बच गया पहुँचने में और हालत बहुत खराब हो गया। मंदिर के बाहर वह सुकून भाई, इतना सुकून है। माइनस वन डिग्री के टेम्परेचर पर मंदिर के पास आपका मजा लेते हो। लोग निकल चुके हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है कोई व्यवस्था नहीं है। फाइनली गाइस हम लोग मंदिर के पास पहुंच गया हूं और यहां पे बहुत सारे लोग फोटो शूट कर रहे हैं। तो 5 लाख से लोग भी ज़्यादा हैं, इतना बड़ा लाइन है और यहां गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं रहा और हालत सब खराब हो गया है। मतलब 5 किलोमीटर या 6-7 किलोमीटर लाइन है लंबी। यहां पे बहुत अभी कुछ नहीं मिल रहा है, कहे कि सरकार ना कुछ इन लोगों सारा होटल सब तोड़ दिया था तो इसलिए यहाँ पर हड़ताल है। ना प्रसाद मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है और बहुत दिक्कत हो रहा है भाई। तो बस 6 बजे से लाइन में लगे हैं और 5 बजे से लगी है तभी इनका दर्शन नहीं हुआ। 1% व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। भोले भोले हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। फाइनली गाइस हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं और बहुत जल्द ही दर्शन होने वाला है। बोलिए कुछ। फाइनली गाइस हम लोग आ गए मंदिर के पास। नहीं लगे, नहीं लगे, मेरा दर्शन कंप्लीट हुआ और बहुत सुकून मिला अंदर। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब अंदर जाने के बाद कुछ अलग है ना। फाइनली गाइस हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्या? नहीं नहीं ठीक है, चढ़ लेंगे, पैर टूटा लेंगे, चढ़ लेंगे। केदारनाथ से ऊपर भी है भैरव बाबा मंदिर और जितने ऊपर जाने में ये रहा भैरव बाबा का मंदिर सबसे ऊपर। केदारनाथ के भी ऊपर है ये मंदिर। भैरव बाबा मंदिर के पास पहुंच गए और ये देखिए गाइस मेरा दर्शन कंप्लीट हुआ भैरव बाबा का और केदारनाथ बाबा का और मतलब इतना सुकून मिला भाई, इतना सुकून। देखिए बादल के ऊपर आए हुए हैं हम लोग और बहुत ऊपर सब जा रहे हैं नीचे। आपको कहाँ जाना है? फिर घर जाना है ना। ये हर हर सिलम पत्थर जो 2013 में बाढ़ आया था तो यही इस मंदिर को बचाया था, केदारनाथ मंदिर को। और ये देख नीचे से लाया। फिलहाल गाइस हम आ गए हैं सबसे ऊपर
यार मतलब यहाँ दूर दूर कोई नहीं है। स्वर्ग ही स्वर्ग है, हर हर महादेव। ये मैंने इस तिरंगा को सबसे ऊपर लगा दिया हूँ और मैं आ गया हूँ सबसे ऊपर। आने के बाद इतना सुकून मिलता है, मतलब पहाड़ों में बात ही अलग है, घूमने का मजा ही कुछ अलग है। और मैं अपना तिरंगा जा रहा हूँ यही छोड़ के। केदारनाथ आने के बाद पता चला कि यहाँ सच में महादेव है। भाई मिले तो जितने अपने भाई लोग हैं घूमना चाहिए। और मतलब सच में यहाँ बोलते हैं कि लोग महादेव दूर हैं दूर हैं, बट नहीं, यहाँ आने के बाद मतलब सच में लग रहा है कि यहाँ महादेव हैं, साक्षात महादेव इन पहाड़ों में बसे हुए हैं। और दर्शन अच्छे से हुआ। बहुत लोगों का सपना होता है केदारनाथ आने का, और आज देखो मेरे महादेव ने हम सबको बुला लिया केदारनाथ। हर हर सुकून है क्या भाई, स्वर्ग से आवाज है भाई। और हम लोग यहाँ सोए हुए हैं आराम से, हैं हमारे बाबा केदारनाथ रेतस कुंड। और यहाँ बोलने पे अंदर हर हर महादेव तो बुलबुले टाइप जैसे आते हैं। देखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए गाइस बुलबुले उठ रहे हैं हर हर महादेव बोलने पे। तो फाइनली गाइस हम लोग का दर्शन कंप्लीट हुआ और हम लोग जा रहे हैं हम नीचे। और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे और बारिश भी हो रही है। और लव यू गाइस, ऐसे ही प्यार करते रहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।